व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरी से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि हनुमान जी को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई। यहाँ पे ये टाइटल दिया हुआ है, शिक्षा जो है वो एजुकेशन को बोलते हैं, प्राप्त होता है हासिल करना, मैंने ट्रांसलेट किया था इसको। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री AK बागेश्वर धाम सरकार बाबा, इनका ये वीडियो है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी ने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। और हम शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। वेंकटेश पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के लिए दोनों हाथ ऐसे किए, उसी समय एक चील जो भगवान राम के जन्म के लिए खीर अग्नि से प्रकट हुई थी, तो माता कैकई के हाथ से खीर पकड़ करके लेकर वह चील उड़ गई और भागी भागी जा रही थी। पवन का झकोरा लगा और चील के हाथ से वह खीर छूट गई और माता अंजनी के हाथ में वह खीर आ गई। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी ने उस खीर को पा लिया। उसी खीर से वह अंजना के लाल बाल हनुमान जी ने गगन में एक छलांग मारी, सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गए। अंधेरा मच गया, देवता बोले लाइट गाया। बोले कैसे चली गई? अरे बोले अंजना के लाल ने कर दिया कमाल, ब्रेकफास्ट में खा गए भाई साहब। बड़ी मुश्किल से छोड़ा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, देखने में तो बाल हम हैं लाल, फिर भी इतना कमाल। सूर्य देवता का भी दिमाग खराब। और बाद में धन है हनुमान जी, बाद में हनुमान जी जब बड़े भए तो सूर्य देवता को ही अपना गुरु बनाया। और जब दोबारा गए तो हनुमान जी बोले आप गुरु जी बन जाओ, हमें चेला। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, बोले देखे हुए लग रहे हैं। हनुमान जी बोले देखा होगा, कभी हमारा एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। तब ध्यान आया सूर्य भगवान को, अरे ये तो वही भाई साहब हैं जो बालपन में ही कमाल कर गए थे, हमें ब्रेकफास्ट में खा गए थे। जब सूर्य भगवान से विद्या अध्ययन की, हनुमान जी बोले गुरु जी गुरु दक्षिणा ले। सूर्य भगवान ने सोचा कि चेला खतरनाक है, ऐसे चेलों से ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। सूर्य भगवान बोले भाई दक्षिणा में तो कुछ चाहिए नहीं, हमारा एक बेटा है शनि देव, हमारी बात नहीं मानता, उसी को ले आओ। हनुमान जी बोले इतनी छोटी बात, अभी जाते हैं। लंका में जब रावण के पास उल्टे लटके थे शनि देव, हनुमान जी पहुंचे, बोले क्या हुआ? अरे बोले आते पेट की मूड में आ गई। हनुमान जी बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण है रावण। हनुमान जी बोले तो लटके रहो। शनि देव बोले नहीं ऐसा मत करो यार भाई साहब, सब उल्टा हो गया, हमें तो उल्टा दिख रहा, दिन में तारे रात में सूरज। हनुमान जी बोले तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हें सीधा करो, पता चले तुम हमको ही चिपक जाओ। तब शनि देव बोले हनुमान जी हम आपको वचन देते हैं, आप तो आपके किसी भी भक्त के ऊपर हमारी कभी कुदृष्टि नहीं जाएगी, जो आपकी पूजा करेगा उसको कभी शनि नहीं सताएगा। ओके, 3-4 चीजें थी भाई इसमें। टाइटल तो ये था शिक्षा कैसे मिली, लेकिन इसमें ये था कि वो सूरज को खा गए, और खीर का चक्कर था, सूरज का चक्कर था, और शनि का चक्कर था, और रावण की लंका का भी जिक्र था। इंटरेस्टिंग वीडियो था, लेकिन वो बताने का अंदाज कुछ ऐसे था। अब वो था ना कि यार एक क्वेश्चन है, सूरज को खा गए तो सबको दिख कैसे रहा था? मजाक कर रहा हूँ। तो सही था, इंटरेस्टिंग था। अब मुझे नहीं पता इसमें से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उन्होंने कितनी बातें एज इट बोली और कितनी में एडिशन की है, लेकिन सही था भाई। वो एडिशन वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक बार हमने पहले भी रिएक्ट किया ना, तो कमेंट आया कि भाई ये आधी बातें जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो मैंने कहा बेशक बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लोगों को सुनने में मज़ा आता है, और क्या चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आते रहेंगे, खुद भी देखेंगे आपके साथ भी देखेंगे। मिलते हैं, सी यू गाइस।